करती है, नहीं करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है तो किस मोड़ पर खड़ी है? देखिए अली, आपको हम थोड़ा सा तारीख में पीछे लेके जाएंगे। 1971 में जब इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ा था, उससे कम से कम 1.5 साल पहले इंडिया ने पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश तैयार करनी शुरू कर दी थी, और उसके आसार इंडियन फॉरेन पॉलिसी से आपको नजर आते थे। किस तरह इंदिरा गांधी रशिया गई, वहां उसने मुआहदे किए, किस तरह अमेरिका गई, निक्सन से मिली, किस तरह उसने पूरे खित्ते में पाकिस्तान को आइसोलेट करना शुरू किया। जब वो एक कोई भी मिलिट्री एक्सपेडिशन आप बिल्ड करते हैं, तो उससे पहले आप पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। अमेरिका ने जब इराक पर हमला करना था तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का झूठ पूरी दुनिया में बनाया, दुनिया के मुल्कों को इकट्ठे किया, आपने साथ मिलाया, कोलेशन बनाया। जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान पर हमले करना था तो पूरी दुनिया में 9/11 का झूठ बनाकर अफगानिस्तान के खिलाफ केस बिल्ड किया। तो ये जो कुछ इस वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है, आप देखिए कि पाकिस्तान के पुराने और कदीम दोस्तों को अगवा करके, हाईजैक करके नरेंद्र मोदी ले जा चुका है। सऊदी अरब जाके जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस उसने सऊदी अरब के साथ किए हैं, प्रैक्टिकली पाकिस्तान को रिप्लेस कर दिया इसने सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया की तारीख का सबसे बड़ा सिविल एजाज जो गैर मुल्की सरबराहों को दिया जा सकता है, मोदी को दिया गया बादशाह सलमान की तरफ से। और हालांकि सऊदी अरब और ईरान जानी दुश्मन है एक दूसरे के, उसके बावजूद मोदी ईरान पहुंचता है और ईरान के साथ चाबहार के ऊपर और ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस इतने बड़े बनाता है कि ईरान की इंटेलिजेंस और एनवायरमेंट और जगह को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ कुलभूषण यादव जैसे दहशतगर्द भेजने में कामयाब हो गया। तो और अफगानिस्तान को पहले ही हॉस्टाइल कर चुका है, बांग्लादेश को हमारे पहले ही खिलाफ कर चुका है जहां पाकिस्तानियों को फांसियां दी जा रही है, अमेरिकन को पहले ही अलाय तहादी बना चुका है अपना वो, कि जिसके नतीजे में इस वक्त इस खित्ते में जो पुलिसमैन की ड्यूटी है वो अमेरिकन, बदमाश की जो ड्यूटी है वो इंडिया को दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात अमेरिका से भी खराब हैं, हमारे ताल्लुकात ईरान से कशीदा हो गए, अफगानिस्तान से तो हम हालत जंग में चले गए, बांग्लादेश पाकिस्तानियों को फांसियां दे रहा है, सऊदी अरब इस वक्त अलग हो गया है पाकिस्तान के दाखिली और सियासी मामलात से, वो हमसे खफा भी है और इंडिया ने उनको अलग भी किया है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान के पास ना कोई फॉरेन पॉलिसी है, ना कोई फॉरेन मिनिस्टर है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेप नहीं उठाया पाकिस्तान के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए। लेकिन जायद अहमद साहब, नवाज शरीफ साहब ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, जब से दोबारा मुंतखब हुए हैं और वजीर खारजा भी खुद ही हैं, तो जितने गैर मुल्की दौरे उन्होंने किए हैं वो तो एक लंबी लिस्ट है। मुल्क में वक्त उनका कम गुजरा है, गैर मुल्की दौरों पर उनका वक्त ज्यादा गुजरा है। अली, यही बात हम आपसे कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब अपने मुल्क से निकलता है तो वो अपने मुल्क के मफादात का तहफ्फुज करने के लिए निकलता है, पाकिस्तान को घेरने के लिए निकलता है, पाकिस्तान को रीजन में आइसोलेट करने के लिए निकलता है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क से निकलता है तो अपने बिजनेस इंटरेस्ट को देखता है, अपने अपने पनामा लीक्स की फ्रॉड और करप्शन को छुपाने के लिए निकलता है। कोई पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का कोई मूव ऐसा नहीं होता जो नेशनल इंटरेस्ट में हो। बड़ी साफ बात हम कर रहे हैं ये, जबकि इंडिया के नरेंद्र मोदी अपनी कौमी मफादात के तहफ्फुज के लिए इस वक्त पाकिस्तान को इस तरह घेर चुका है कि खित्ते में सिवाय चीन के हमारा कोई दोस्त अब बाकी नहीं रहा है। और हालत यह है कि